हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे, और वीकेंड आप सबने खूब एंजॉय किया होगा। मेरा आज का वीडियो वीकेंड से पहले का है, 13th फ्राइडे का, और व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह से। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने लगी हूँ ये नमकीन जवे, नमकीन सेवइयाँ भी बोलते हैं इसे, सेवई उपमा भी कहते हैं, बेसिकली वर्मिसली। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले एक बार शेयर कर चुकी हूँ, और साथ में बनाने लगी हूँ चाय। तो अभी तो पापा मम्मी, मैं और शर्मा जी ही हैं, बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि 13th को हमारे घर पे और गेस्ट आने वाले हैं, बेसिकली मेरे देवर देवरानी। तो वो लोग आएंगे शाम में, तो उन्हें लेने मैं जाने वाली हूँ। मैं और पापा गए थे बेसिकली। तो अभी तो बना रही हूँ मैं नाश्ता, और रेसिपी बहुत ही आसान है। कढ़ाई में लीजिए थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा और राई को पका लीजिए, वो तड़तड़ा जाएंगे। इसके बाद थोड़ा हींग डाल के, हींग भुन जाएगा तो प्याज डाल दीजिए, प्याज को ज़रा सा भून लेना है। और उपमा एक ऐसी चीज़ है, आप इसमें जितनी चाहें सब्जियाँ डाल सकते हैं। पिछली वाली मैंने आपके साथ वेजिटेबल उपमा ही शेयर किया था, तो इसमें आपकी पसंद की जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो सभी आप डाल सकते हो। आज मैं थोड़ा बेसिक ही बना रही हूँ फटाफट। तो मैं प्याज जब तक भून रही है, टमाटर चॉप कर लूँगी। बेसिकली हमारी एक एक चाय सुबह की हो चुकी है, तो अभी फिर मैं उसके बाद नाश्ता बनाने लगी हूँ। मम्मी पापा सुबह में सबसे पहले एक चाय लेते हैं और उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। और प्याज अच्छे से भून जाएगा तो टमाटर ऐड कर दीजिए, और जो रूटीन के मसाले हैं, हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर, वो ऐड करके थोड़ा सा पका लीजिए। और जो थोड़ी सब्जियां अगर आपको डालनी है तो वो पहले फिर भून लीजिएगा, या तो आप चाहें तो थोड़ी देर माइक्रोवेव कर सकते हैं या पारबॉयल कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर दीजिए ये सेवइयाँ। ये बेसिकली रोस्टेड भी मिलती हैं मार्केट में, मैं रॉ ही लाती हूँ और उनको रोस्ट करती हूँ। फ्रेशली जो रोस्ट की जाती है उनकी खुशबू एक अलग ही होती है, स्वाद भी अच्छा होता है। तो रोस्ट सेवइयाँ मिला दीजिए, और इसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत नहीं है, और इसे प्रेशर कुक करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई में लगभग 3-4 मिनट में बन जाती है। तो चाय नाश्ता तैयार हो गया, अभी हम सभी लोग मिलकर चाय नाश्ता करेंगे और इसके बाद लगेंगे हम लोग हमारे रेस्पेक्टिव कामों पर। मुझे लगा ये उड़ गया, ये था नहीं यहाँ पे, पर ये बाहर था। और मम्मी ने और मैंने मिलकर जो कपड़े थे वो हम लोगों ने फोल्ड कर लिए हैं, और पापा और शर्मा जी दोनों गए हैं थोड़ी सब्जियां लेने, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सब्जियां नहीं थी ना, इसलिए मैंने जो सेवइयां थी उसमें सब्जियां नहीं डाली। तो वो लोग बाहर का काम करने गए हैं और यहाँ मम्मी और मैं आ गए हैं किचन में। मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, मैंने थोड़ा धनिया पाउडर पीसा है। मैं बनाने लगी हूँ वही स्टफ्ड मिर्ची जो गुजराती स्टाइल मैंने आपको बताई थी, साथ में दाल भी बनाऊँगी। और मम्मी बनाने वाली हैं एक रेसिपी शिमला मिर्च की उनके स्टाइल से, तो वो जो बनाएंगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, मम्मी बनाने लगी हैं ये शिमला मिर्च और आलू की एक क्विक सी सब्ज़ी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, मम्मी की रेसिपी है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सारी ही चीज़ें आपको इस तरह सर्कल जैसी काटनी है, आलू भी सर्कल, कैप्सिकम और ऑनियन भी एकदम सर्कल काटना है, बेसिकली स्लाइसेस। और सबसे पहले ऑयल में डालना है आपको आलू, सबसे ज़्यादा देर लगेगी। हाँ, मम्मी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसे इसको सबसे पहले डाल दिया। बस अभी आई, तो तीनों चीज़ों को अलग अलग से फ्राई करना है।
गाइस यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं, शिमला मिर्ची अभी पक रही है और इसके बाद फिर प्याज का नंबर है। तो सारी सब्जियों को एक एक करके फ्राई कर लिया। इसके बाद सेम कढ़ाई में उन्होंने ऐड किया है जीरा, थोड़ा सा हल्दी, और कढ़ाई उन्होंने जानबूझ के नॉनस्टिक नहीं लिया है, जिससे थोड़ा सा ये जो भुन जाता है ना, इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, और आलू शिमला मिर्च की सब्जी में इसका स्वाद अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो थोड़ा सा आलू चिपके, प्याज चिपके, और उससे जो रोस्टेड इफेक्ट आता है सब्जियों में और एक खास टेस्ट भी होता है, उसको अचीव करने के लिए नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया है। और आपने इसमें क्या पेस्ट मिलाई है? इसमें है टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट डाली पीस के, सॉफ्ट डाली पीस के। और जब तक मम्मी उधर सब्जी बना रहे हैं, मैं यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर ले रही हूँ। ये कल का दाल बचा हुआ था तो इसको मिला के मैं आटा गूंदूंगी। थोड़ा सा नमक मैंने डाला है और आटा तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर एक बार मसाला अच्छे से भुन गया है तो मम्मी ने सारा मसाला कढ़ाई के एक साइड पे लगा दिया है। इसके बाद डाले हैं सबसे पहले आलू, उसके ऊपर फिर से थोड़ा मसाला लगाया है, और मसाला लगाने के बाद दूसरी लेयर आएगी प्याज की और फिर शिमला मिर्च। तो इस तरह से एक एक सब्जी की लेयर लगाते जाएंगे और बीच बीच में थोड़ा सा मसाला लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आलू, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, इस तरह से तीनों के बीच में थोड़ा मसाला लगा के, जैसे सैंडविच लेयर्स होती हैं, इस तरह से आप लेयर्स तैयार कर लीजिए। और मम्मी ने स्मार्टली इसी में साइड में मसाला रख दिया, एक अलग बर्तन खराब नहीं किया। सबसे पहले आलू डाला इसमें, क्योंकि आलू थोड़ा सा रह गया था, आलू कलर ले लें इसका और गल जाए, है ना, पानी सूख जाए सारा, डायरेक्ट थोड़ा सा। उसके बाद प्याज डालिए, सबसे पहले डाले शिमला मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई, तीखा खाते हैं उसमें से कटा जा सकते हैं इसमें। और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है, बस इसे थोड़ा सा फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया ऐड किया है। इसके बाद 2-1 मिनट पका के मम्मी ने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये तैयार हो गई आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो आज के लंच में बनाया है मैंने दाल, ये दाल अरहर का है, और ये स्टफ्ड मिर्ची बेसन वाली जो मैंने आपको दिखाई थी ना पहले, भुजिया भरी थी इसके अंदर, और ये मम्मी ने बनाया है आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको पसंद आएगी, एक रूटीन सी सब्जी को अलग सा ट्विस्ट। ओम गंगणाधिपते नमः, ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपित जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमो सरस्वती अयम दुष्टु विना पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो नमः। ओम नमो सरस्वती अयम दुष्टु विना पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हरधवला या शुभ्रवस्तावता या मीनावर्धन मंत्रिता या श्वेत पद्मासना या ममृत शंकर प्रभृति देवेशरा वंदिता सामा पातु सरस्वती मा भगवती नहि से जाड़्यापहा। ओम कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविद्यानगम्यम वंदे श्रीभवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जय गणेश जय गणेश।
और शाम के समय हम सभी लगे हैं पूजा करने, तो जब ये मम्मी पापा घर में हैं तो वो ही बेसिकली पूजा करते हैं, हम लोग पीछे खड़े होते हैं। और शाम के समय घर में पूजा का नियम है ही, आप जानते ही हैं। तो आज की पूजा की है पापा जी ने। और पूजा करने के बाद पापा और मैं निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। बेसिकली मेरे देवर और देवरानी की जो ट्रेन है वो आने वाली थी, तो पापा को रास्ते नहीं मालूम है, इसलिए उनके साथ मैं गई थी लेने के लिए। और सब लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि फिर सब लोग आ नहीं पाते एक साथ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आ जाओ आप तो अंदर आ जाओ, अपने ही है अब तो पढ़ रहे हैं तो अपने रॉकस्टार से मिलेंगे हम दोनों से मिलेंगे। अरे सारे छोड़ दो, तुम भाई तुम भी लोगे क्यों लव मैरिज में दोनों मिल जाएंगे। हाय हाय सीधी आगे सारे सारे दोनों को दबा दिया। इसके मेरे बाल एक जैसे नहीं लग रहे हो और वो लोग घर पे आए, इसके बाद बनाया मैंने चाय। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये आदत होती है कि अगर वो सफर से आए थका हुआ महसूस करें तो सबसे पहले सबको चाय पीने का मन होता है। और ये जो लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मैं पूरा ध्यान रखूंगी आगे से ये ना हो। मैंने जब एडिटिंग करने में बैठी हूँ तब मैंने नोटिस किया कि ये इस तरह से रिकॉर्ड हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये सब। और इसके बाद मैंने और प्रियंका दोनों ने मिलकर बना लिया था डिनर। बेसिकली मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी, इसकी ठीक से रेसिपी मैं आपको कभी और दूंगी। बेसिकली उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कैमरा वगैरह लगा के रिकॉर्ड कर पाती। मैं किसी दिन आपको ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मेरी जो रेसिपी है वो दूंगी। आई एम श्योर मटर पनीर तो आप सभी बनाते होंगे, मैंने भी दो एक रेसिपीज़ तो पहले शेयर की हैं, तो इसीलिए टाइम के अभाव की वजह से मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं किया। The three leading ladies of our family are cooking together today. Hulkas बना रही हैं ये। भाभी ये देसी घी है ना? ये आपका घर का बनाया हुआ है? Yes. Wow. सब चीज़। इसकी तो recipe दी है मैंने। Recipe दे चुका आप already? हाँ। Okay. ओह ये रोटियाँ देख करना। कुछ कुछ होता है मेरे पेट में और मेरी पूरी डाइट की ना ऐसी की तैसी होने वाली है। भाभी कितना वेट बढ़ने वाला है मेरा 3 दिन में? मेरे हिसाब से चलोगे तो 3 किलो तो पक्का है। और मम्मी के हिसाब से तो 6 किलो। ये मेरी मॉम है, ये हमारे घर की टेडी बेयर है, हम सब इनसे खेलते हैं। हमें जब भी सांत्वना की जरूरत होती है लाइफ में, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता ना, तो हम इनका वो जादू की झप्पी ले लेते हैं, टेडी बेयर हग। और ये है छोटी बहू प्रियंका जी, आज ये भी मदद कर रही है फुलके सेकने में। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब ये भी बहुत सारी कुकिंग सीख के जाने वाली है यहाँ से।
मम्मा आप मेरे लिए क्या हेल्दी बनाओगी? ग्रीन टी। वाह 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 ये लो आलू का पराठा डीप फ्राइड दिल्ली स्टाइल। तुम भी तो रायता मेरी बीवी हो ना तुम मुझे इतना खिलाओगी उसके बाद भागना भी मुझे ही पड़ेगा। साथ में लेके भागियो ना। हाँ ये अच्छा आइडिया। फैमिली सुबह उठ करके सूरज को देखने में जो मजा है वो मुझे नहीं लेना। बट एक्चुअली फैमिली स्लीप इज अ बेटर आइडिया। तो ये तीन खूबसूरत महिलाएं हमारी फैमिली की, इन्होंने पूरी साजिश रच रखी है कि हम सब मर्दों को खिला खिला के ये ऐसी गोल गोल रोटियों जैसा बना देंगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे घर में दो बेडरूम हैं, दो ही बेड हैं, तो अभी बंदे ज़्यादा हैं और जगह कम है सोने की, तो इसलिए मैं हॉल क्लीन कर रही हूँ। सब लोग मेरी मदद करा रहे हैं। एक स्पेयर मैट्रेस है मेरे पास, उसको यहाँ पे लगा देंगे और फिर यहाँ पर सो जाएंगे, तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा ना, तो मैट्रेस बिछाने के लिए अच्छा रहेगा। और सब लोग मेरी हेल्प करा रहे हैं इस काम में। तो आज के व्लॉग को बस मैं यहीं करूंगी एंड। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, मम्मी की बताई रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। मैं मिलूंगी अब आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।